नमस्कार, फर्स्ट एड में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भाई। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। आज संकेत बहुत अच्छे नहीं, लेकिन कम से कम बुरे तो नहीं है। ऐसी स्थिति बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है। लेकिन मिहिर, मैंने आई थिंक अपनी जिंदगी में एक चीज पहली बार देखी हूँ। ठीक है, राशन की लाइनों में कभी हम खड़े हुआ करते थे। मैं JIP में था लास्ट वीकेंड पे, रिलायंस जियो के लिए मैंने लाइन देखी, सिम के लिए पहली बार एक सिम के लिए लाइन देखी। नहीं, देखिए वो क्या है कि एक जो मेंटालिटी होती है लोगों की कि मुफ्त में जो भी चीज़ मिलती है उसके लिए लाइन वैसे ही लगती है, और ये तो 4G कनेक्शन इतने सारे डेटा के साथ, तो ये जो इनफैक्ट साइकोलॉजी है इसी पे आई थिंक जियो ने प्ले किया है। उनको पता था कि ये मैड रश में 4 महीने में एडिक्ट बना दो। खैर, देखते हैं बाजार इस वक्त एडिक्ट रिलायंस का है या नहीं है, या फिर टेलीकॉम स्टॉक्स का है या नहीं है। ठीक है, शुक्रवार को हमने गुरुवार के इंसिडेंट के बाद थोड़ा सा संभले थे स्टॉक्स, लेकिन इस बीच में आई थिंक उससे पहले जरा आपको एक बार जरा एशियन मार्केट्स दिखा दूँ। हैंग सेंग आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल फ्लैट, 0.5% ऊपर है। निकेई लगभग 1/4% ऊपर है। शंघाई बैकफुट पे और एग्जैक्टली वेदर आई मीन बड़े फ्रैक्शन के साथ था। स्ट्रेट टाइम्स 1% ऊपर है, तो हालात ठीक ठाक है। रेस्ट ऑफ एशिया बहुत ख़राब नहीं है, और एग्जैक्टली आपकी स्क्रीन पर आप देखें 6.5 ऊपर कारोबार कर रहा है। और आज की अगर आप देखें सबसे बड़ी स्टोरी अगेन, जैसे हमने सुबह चर्चा की थी कि क्रूड है, तो कहीं ना कहीं अपस्ट्रीम कंपनियां और मार्केटिंग कंपनीज रडार पे रहेंगी, लैंस रडार पे रहेगा। और साथ ही साथ आई मीन जो दो सबसे वाइब्रेंट स्पेस थे जिन्होंने बहुत बहुत अपनी तरफ अगर आप देखें डेटा खींचा है, वो था टायर स्पेस और PSU बैंक्स। इन पर नजर रखी चलेगा। इनिगेटिव एक्शन आपकी स्क्रीन पर आप देखें। 39 अंक की निफ्टी करीब 8769 के स्तर पर, लगभग 34 अंक ऊपर निफ्टी BHEL हरे निशान में। BPCL करीब 7 रुपये ऊपर 592.55 रुपये का स्तर यहाँ पर है। गेल यहाँ पर लगभग फ्लैट स्थिति है, 396 का स्तर यहाँ पर। और MNM आपकी स्क्रीन पर करीब 1473 पर बिल्कुल फ्लैट। इस बीच अगर आप देखें तो रुपया खुला है लगभग 6653। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर एक अच्छी ओपनिंग हुई है 6682 से लेकर 6653 की रेंज में। हम अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट कुछ क्रिटिकल लेवल्स को स्ट्राइक कर रहे हैं। याद रखिए, जब उस टाइम बात हुई थी मिहिर कि US फेड ब्याज दरों में कब तक बढ़ोतरी करेगा, 6730, और वहां से लेकर अब तक लगभग 80 पैसे की रिकवरी। जी हाँ, बिल्कुल। इनफैक्ट अगर और स्ट्रॉन्ग हुआ तो उल्टा जो नए गवर्नर बने हैं उनके लिए ये एक परेशानी होगी, बिकॉज किसी भी तरफ का स्पाइक इज नॉट व्हाट RBI लाइक्स। लेकिन सबसे पहले जिन स्टॉक्स पर खबरें हैं ना, जहाँ पर अब देखिए इंडिकेटिव टिक्स में काफ़ी हैवी हैमरिंग हो रही है। एक तो माइंडट्री जो गाइडेंस डाउनवर्ड हुआ है, उसके बाद 11% का ड्रॉप यहाँ पर है। जुबिलेंट फूड्स एस्टिमेट मिस करने के बाद यहाँ पर 10-11% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन आई थिंक आज जो फार्मा स्टॉक्स हैं उन पर भी नज़र रखनी होगी। आज का फ्लेवर फार्मा साबित हो सकता है। एक तो जो अंडरलाइंग एक डिफेंसिव टेंडेंसी ट्रेडर की है वो इस पर प्ले करेगी, और साथ ही न्यूज़ फ्लो एटलीस्ट यहाँ पर नेगेटिव नहीं है। तो ये एक पूरा स्पेस ऐसा है जिस पर आज नज़र रखनी चाहिए। बाकी देखना ये होगा कि जो माइंडट्री में हुआ है उसका सेंटिमेंटल इम्पैक्ट बाकी IT स्टॉक्स पर क्या देखने को मिलता है, बिकॉज अगर माइंडट्री ही प्रेशर में रहेगा पर इसका जो अपडेटेड रेट है इनफैक्ट वो 11% नीचे है, तो माइंडट्री का जो नुकसान है वो बाकी IT स्टॉक्स पर भी प्ले कर सकता है। बिल्कुल, आई मीन इन्फोसिस के बाद अगर आप देखें ऑलमोस्ट इन्फोसिस में याद है मेरे 1180 भी इन्फोसिस के नतीजे आए थे, उसके बाद स्टेबल नहीं हो पाया, और पूरा IT एक और सेटबैक। और बाकी अगर आप देखें जुबिलेंट फूड वर्क्स नंबर्स के बाद अगर आप देखें हाउस व्यूज तो आपने सुने ही होंगे। लेकिन इस बीच चलते हैं सीधे आई थिंक IT पे ही एक आउटलुक लेते हैं। ये जो माइंडट्री के का रिएक्शन था उसके बाद जाए, अगर डाउनसाइड में ट्रेड करना हो, शॉर्टिंग पॉसिबिलिटीज देखनी हो, या फिर आई थिंक जो ट्रेड्स आपने एवरेज करे हो उनको काटना हो, तो IT में क्या करेंगे आप आज? ओवरऑल आई थिंक अभी भी बने रहना चाहिए शॉर्ट्स अगर हो किसी के तो IT में, बिकॉज वीरेंद्र मुझे ऐसा लगता है सिलेक्टिव स्पेस ऐसी है जैसे इन्फोसिस और HCL टेक्नोलॉजी। आई थिंक इन्फोसिस में इस लेवल पे और HCL टेक्नोलॉजी में, ये दोनों में शॉर्ट्स आई थिंक वहाँ पे हो तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मगर अगर TCS पे हो, टेक महिंद्रा पे हो, विप्रो पे हो, चाहे वो माइंडट्री में हो, तो आई थिंक ये चारों ही स्टॉक्स में कहाँ भी अगर हेक्सावेयर हो, अगर पाँचों ही स्टॉक्स में कहीं भी शॉर्ट पोजीशंस हो तो आई थिंक अभी भी बने रहना चाहिए। अग्रेसिव शॉर्टिंग नहीं करना चाहिए इस लेवल्स पे, मगर और थोड़ा बाउंस देखना चाहिए। देखने मिले अगर एवरेजेस के आसपास फिर से ये स्टॉक आते हैं तो फिर से अपॉर्चुनिटी लेके फिर से इसे शॉर्टिंग करना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल वीकली चार्ट्स पर इनका काफ़ी ट्रेंड काफ़ी हद तक मुझे नेगेटिव लग रहा था। आई थिंक ये इमीडिएट बेसिस पर अगर आपको रिवर्सल आप देख रहे हो कि शॉर्ट नो डाउन से अप हो जाए, आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन। कोई भी बाउंस आएगा वुड बी यूज एट अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी ओनली इन IT स्टॉक्स। बिल्कुल, आज इनफैक्ट जो रुपए की ओपनिंग हुई है हरी, उसके बाद यू नो डबल वैमी हो जाएगी IT स्टॉक्स के लिए। एक तरफ माइंडट्री उसका परफॉर्मेंस, दूसरी तरफ
रुपए की स्ट्रेंथ, ये दोनों नेगेटिवली प्ले करेगा आईटी पर? नहीं, बिल्कुल, हम मानते हैं कि जो आईटी स्टॉक्स है, यू नो, बीट द लार्ज कैप और इवन द मिड एंड स्मॉल कैप्स, मेरे ख्याल से एक मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड पे जा चुके हैं. और यू नो, फंडामेंटली हम देख रहे हैं ग्लोबली आईटी स्पेंडिंग नहीं हो रहा है. गार्टनर ने ऑलरेडी यू नो ग्रोथ इन स्पेंडिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, और आईटी वैल्यूएशंस भी आई थिंक काफ़ी, कंसिडरिंग द ग्रोथ, काफ़ी स्टीप है. तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल मुझे कोई यू नो आर्ग्यूमेंट लग रहा है. और जैसे आपने कहा रुपीज स्ट्रेंथनिंग बिकॉज द डॉलर इज वीकनिंग, माना जा रहा था कि शायद लेबर डेटा अच्छा है तो एक रेट हाइक की उम्मीद करेंगे. तो अब सिंस द लेबर डेटा इज नॉट टू गुड, माना जाता है कि रेट हाइक शुड गेट पोस्टपोन टू डिसंबर, तो आई थिंक द डॉलर इज वीकन एंड द रुपीज स्ट्रेंथन. तो ये सभी बातें मिला के मुझे लगता है कि आई टी पे प्रेशर बना ही रहेगा. ओके, चलिए बात करते हैं आज सुबह के उन 50 ट्रेड्स के बारे में जो आपको बताए गए थे. उसमें से 10 सबसे बेहतरीन ट्रेड कौन से हैं टेक्निकल्स और न्यूज फ्लो के आधार पर? दीपाली हमारे साथ, दीपाली बताइए. शुक्रिया वीरेंद्र. टॉप 50 स्टॉक्स में से टॉप 10 स्टॉक्स पिक किए गए हैं. उनमें पहला शेयर है केएसके एनर्जी का. फ्राइडे के सेशन में लास्ट आर में एक स्ट्रॉन्ग सर्ज स्टॉक में देखा गया था, 8% चला था ये स्टॉक. आज भी वो ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, इसीलिए खरीदारी की यहाँ पर सलाह दी गई है. 30.8 के टारगेट एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं. स्टॉप लॉस 29.5 के लेवल्स पर मेंटेन करना है. दूसरा शेयर है केन इंडिया का. टेक्निकली ठीक लग रहा है ये शेयर, चार्ट्स पर स्ट्रॉन्ग है, ओपन इंटरेस्ट में भी एक अच्छा इजाफा हमने प्रीवियस सेशन में देखा था. आज के लिए 206 के टारगेट्स देखे जा सकते हैं. 198 के लेवल पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा केन इंडिया के शेयर में. त्रिवेणी टर्बाइन हालांकि करेक्ट हुआ था प्रीवियस सेशन में, लेकिन फंड एक्शन जो हुआ है उसकी बदौलत आज फिर से पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है. फ्रैंकलिन टिप्लीटन ने करीब 21 लाख शेयर खरीदे हैं कंपनी के. नेटवेस्ट बैंक ने भी करीब 37 लाख शेयर खरीदे हैं. इन्हीं खबरों के बीच में खरीदारी दिख सकती है. 122 का एक स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं 128 के लेवल्स पर. अशोका बिल्डकॉन ऑर्डर इनफ्लो की खबर की वजह से एक बूस्ट स्टॉक में आज आ सकता है. एनएचएआई से करीब 2000 करोड़ का ऑर्डर मिला है कंपनी को, इसीलिए आज ऑर्डर इनफ्लो की खबर के बीच में चलेगा ये शेयर. 165 के लेवल्स को टच करने की कोशिश कर सकता है. 157 के लेवल्स पर स्टॉप लॉस मेंटेन करने हैं अशोका बिल्डकॉन में. नितिन स्पिनर्स टेक्निकल कॉल है. डेली चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ एक ब्रेकआउट स्टॉक में आया है प्रीवियस सेशन में, जिसकी बदौलत 9% चला भी था ये शेयर. आज के लिए 76 के लेवल्स को टच करने की कोशिश करेगा. इन्हीं को बताओ टारगेट देख सकते हैं 72.5 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा. एवरॉन एजुकेशन, एजुकेशन स्टॉक्स में हमने लगातार खरीदारी देखी भी है. एवरॉन एजुकेशन प्रीवियस सेशन में विद गुड वॉल्यूम 7% की मजबूती लेकर क्लोज हुआ था. आज के लिए टारगेट एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं 23.5 के. 21.25 के लेवल पर एक स्टॉप लॉस बनाना होगा. जीएमआर इंफ्रा आज खबरों में है ये. सरकार ने 9 पावर प्लांट को एलएनजी अलॉट किए हैं. जीएमआर इंफ्रा, जेवीके पार, लेनको इंफ्रा के प्लांट्स को ये एलएनजी अलॉट हुए हैं. पॉजिटिव खबर, जिसकी वजह से आज 14.50 रुपये के लेवल्स को टच कर सकता है. स्टॉप लॉस 13.30 रुपये के लेवल पर मेंटेन करना होगा. डीएलएफ आज खबरों में है. डीटी सिनेमा के 7 स्क्रीन सिनेपोलिस को बेचे हैं कंपनी ने 64 करोड़ में. पॉजिटिव न्यूज फ्लो, जिसकी वजह से खरीदारी दिख सकती है. आज के लिए 155 के टारगेट देखे जा सकते हैं. 149 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा. ट्राइगन टेक्नोलॉजीज, यहाँ भी खबर है कि 19 सितंबर से S&P BSE IT इंडेक्स में ये स्टॉक शामिल होगा. अच्छी खबर है, इसलिए सेंटिमेंट्स पॉजिटिव रह सकते हैं. आज के लिए 107 के लक्ष्य है. 101 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा. जो 10 शेयर है वो है जीई शिपिंग का. टेक्निकल कॉल है ये. आवाली चार्ट पर एक अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है. वीकली परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो भी स्ट्रॉन्ग रही है स्टॉक की. 3% बढ़ा था प्रीवियस सेशन में. आज के लिए 378 के टारगेट देखे जा सकते हैं. स्टॉप लॉस 365 पर मेंटेन करना होगा. बिल्कुल, चलिए. तो ये ऐसे स्टॉक्स हैं, आज सुबह हमने जो आपको टॉप 50 स्टॉक्स बताए थे उसमें से ये 10 ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर आप नज़र रख सकते हैं. खैर, आप देख भी रहे हैं इस समय इन स्टॉक्स पर मूव जिस तरह का देखने को मिल रहा है. लेकिन कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं, जहाँ पर आज फार्मा स्टॉक्स एक बार देख लेते हैं और साथ ही इनफैक्ट GMR और GVK को एक बार देखते हैं, क्योंकि इन्हें LNG प्लांट्स इस समय एलोकेट हुए हैं सरकार की तरफ से, तो उसका सीधा इम्पैक्ट GMR आप देखिए करीब 2% ऊपर है. GVK इस पर भी करीब 1% का मुंह देखने को मिल रहा है. लैंको पर भी इनफैक्ट इसका मुंह देखने को मिलेगा. लेकिन GMR GVK इस पर अभी बैठ लेना ठीक है क्या हरी? नहीं, देखिए डेफिनेटली मैं थोड़ा आई थिंक एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से GMR तो डेफिनेटली खरीदूंगा. जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सॉफ्ट अनाउंस किया वो डेफिनेटली GMR के लिए आई थिंक पॉजिटिव है. तो फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव मिहिर आई वुड बिलीव GMR खरीद सकते हैं. GVK से तो मैं फिलहाल दूर रहना पसंद करूंगा. बट अभी भी मुझे कोई लॉन्ग टर्म वैल्यू स्टॉक में दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इनका डेट बर्डन जो अभी बहुत ज्यादा है. तो अनलेस दे हैव अ कॉन्क्रीट प्लान ऑफ हाउ टू रिड्यूस द डेट, मुझे नहीं लगता कोई लॉन्ग टर्म वैल्यू स्टॉक में बन रहा है. जी, इस बीच आप देखिए इंडिकेटिव एक्शन में निफ्टी करीब 8852 पे 43 अंकों पर है. हम रिकॉर्ड स्तरों पे खुलेंगे, याद रखिएगा, हम CY16 के नए हाइज पे खुलेंगे. इंडिकेटिव एक्शन तो कम से कम यही दर्शा रहा है. आज के आप सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देखिए, सिप्ला लगभग 7% ऊपर, टाटा मोटर्स, और उसके बाद आई मीन फ्रंट फुट पे आके खड़े हैं यहाँ पे PSU बैंक्स और दो दिग्गज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा.
फिर आके बीपीसीएल खड़ा हुआ है, फिर आप देखिए एचडीएफसी, अंबुजा सीमेंट्स, एसीसी, थैंक्स आई मीन कि आज एक बार फिर से सीमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और टाटा मोटर्स डीवीआर ये भी ठीक ठाक कर रहा है, मारुति सुजुकी नए हाई पे खुलेगा अपने ऑल टाइम हाई पर। जय, अब आपके सामने स्क्रीन है, निफ्टी है, और मैंने आपको 5-7 सबसे अच्छी तरीके से परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स बता दिए, इसमें से क्या ट्रेड करना आप ज़्यादा अच्छा समझेंगे? आई थिंक निफ्टी तो डेफिनेटली यू नो बाय करनी चाहिए, अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है वीरेंद्र 8950 जो है इमीडिएट टारगेट वो देखने मिल सकता है, और उसके ऊपर यू नो गोइंग फॉरवर्ड न्यू हाइज भी देखने मिलेंगी डेफिनेटली जो हिसाब से अपर ट्रेंड है। जो स्टॉक स्पेसिफिक आपने बताया, आई थिंक पीएसयू बैंक्स में मैं जो एक पिक करना चाहूँगा वो स्मॉल कैप पीएसयू बैंक्स रहेंगे, ओरियन बैंक हो, अलाहाबाद बैंक हो, नॉट SBI एज ऑफ नाउ। SBI काफ़ी एक नो रिस्क रिवॉर्ड एज ऑफ नाउ फेवर नहीं कर रहा है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए आई थिंक यू नो सो, बट येस मारुति डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम में है, और अगर मारुति में अभी भी लॉन्ग पोजिशन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को बनानी है तो आई थिंक वीरेंद्र देखने मिल सकता है, मारुति में एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है 54-54-50 ये शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा। पोजिशनल मीडियम टर्म कॉल तो मेरा टारगेट 61-50 है, काफ़ी समय से इंटैक्ट है, तो आई थिंक आई विल स्टिक टू दैट। सो निफ्टी, मारुति एंड स्मॉल कैप यू नो पीएसयू बैंक्स में आई थिंक इस लेवल्स पे भी एंटर कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए इस बीच कुछ स्टॉक्स जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रिगर्स हैं उनको बाजार खुलने के पहले एक बार देख लेते हैं जल्दी से। एक तो नजर डालते हैं सन फार्मा पर। जैसे मैंने कहा कि वैसे भी जो पूरा फार्मा स्पेस है वो रेडार पर रहेगा, और मित्सुबिशी टेनाबे के साथ इन्होंने जो करार किया है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट सन फार्मा पर देखने को मिलेगा, तो ये करीब 0.5% ऊपर है। साथ ही फोर्स मोटर्स, इस पर आप नज़र रख सकते हैं। फोर्स मोटर्स इनकी जो कुल बिक्री है उसमें अच्छा इजाफा देखने को मिला है, तो यहाँ पर अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है। साथ ही DLF, इस पर नज़र रखिएगा, इन्होंने अपना जो सिनेपोलिस का बचा हुआ कारोबार है उसे भी सिनेपोलिस को बेचा है, तो ये करीब 0.25% ऊपर। और साथ ही सिप्ला और एक काउंटर है जिस पर आप नज़र रख सकते हैं। USFDA से और एक दवाई को मंजूरी मिली है, करीब 0.25% ऊपर सिप्ला इस समय। और साथ ही त्रिवेणी टर्बाइन, इस पर नज़र रखिएगा। त्रिवेणी टर्बाइन यहाँ पर अच्छा आप देख रहे हैं, जैसे शुरुआती तेज़ी का रुझान है, करीब 3% ऊपर। यह फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने यहाँ पर करीब 21 लाख शेयरों की खरीद की है। अशोका बिल्डकॉन पर नज़र रखिएगा, और साथ ही नज़र रखिएगा आइनॉक्स विंड पर। फिर से एक बार इन्होंने मार्केट एक्सपेक्टेशन और एस्टिमेट दोनों को मिस किया है, और आइनॉक्स जो शुरुआती रुझान है उसमें फिर से एक बार हैवी प्रेशर। आप देखिए करीब 17.5% नीचे आइनॉक्स का काउंटर इस समय दिख रहे हैं जी। इस बीच में एक दो स्टॉक्स और आपको मिड कैप में दिखाता हूँ जो कि ठीक ठाक कर रहे हैं। देखिए टायर स्टॉक्स में आज भी आग लगी हुई है। सीमेंट, ये सॉरी CA टकरा, देखिए 10 रुपये ऊपर है। उसके बाद मैं आई थिंक कुछ जरा परसेंटेज विनर्स को देख रहा था जो कि मिड कैप में स्ट्रॉन्ग मूव लेके कारोबार कर रहे हैं। इसमें आप देखिए एक पटेल इंजीनियरिंग आज भी मेर 20% के अपर फीस पे है, तो जिसके हाथ लग गया होगा ये आज से 3 रोज़ पहले क्या कमाई की है उस बंदे ने। उसके बाद देखिए आप एक और दो स्टॉक्स जो जिनमें GMT ऑटो, ये करीब करीब 7% ऊपर है, शानदार तेज़ी यहाँ पे। उसके बाद आप देखिए एक TFC टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसमें काफ़ी अच्छा खासा मूव है विद वॉल्यूम्स। HCC आज भी अगर आप देखें वाइब्रेंट आप अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 5.5% ऊपर, अच्छी तेज़ी यहाँ पर है। और अगर आप देखें कुछ अच्छे स्टॉक्स में एक टेक्नो इलेक्ट्रिक को देखिए करीब 4.5% ऊपर, और एक अच्छे वॉल्यूम्स के बीच में एक मार्केटर 52.35 पे कारोबार कर रहा है। ये जय, मार्केटर 52.35 छोटी सी चैनल में फंसा हुआ है, अभी आपने क्लाइंट्स को राय क्या दिया इस स्टॉक पे? ओवरऑल मार्केटर पे तो जो टारगेट्स शॉर्ट टर्म के देंगे वीरन काफ़ी हद तक अच्छी हो चुकी है, बट गोइंग फॉरवर्ड मीडियम टर्म में मुझे भी अभी भी ऐसा लग रहा है इसके टारगेट्स अचीव होना बाकी है। 60 इनिशियल टारगेट रहेगा और 60 के ऊपर 71 तक के लेवल्स देखने मिल सकता है, तो आई थिंक जिसका और मीडियम टर्म पोजिशनली ध्यान हो और जो होल्ड करना चाहते हैं वो होल्ड कर सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स आई थिंक दे शुड बुक प्रॉफिट्स राइट नाउ। बिल्कुल। इस बीच देखिए रुपया 4 महीने की ऊंचाई पर जो ओपनिंग टिक्स आए हैं उसके बाद इस समय, उससे भी अच्छी चीज़ ये है कि प्री ओपनिंग में अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी को देखें तो ये भी फिर से एक बार एक नई ऊंचाई पर इस समय यहाँ पर है, करीब पूरे साल की ही सबसे हाईएस्ट लेवल्स पर। लेकिन क्विकली अरे ये जो पटेल इंजीनियरिंग, HCC, इन सब में जिस तरह की तेज़ी देखने को मिली है, यू नो टिपिकल री रेटिंग सिनारियो 4-5 दिन के भीतर देखने को मिला है इन स्टॉक्स में। अब जिसने नहीं डाला हाथ वो क्या करे?
मेरे ख्याल से जो तेजी हुई है काफी ज्यादा हो गई है. आई डोंट थिंक स्टॉक्स लाइक एचसीसी और पटेल एक्चुअली डिजर्व दिस काइंड ऑफ वैल्यूएशंस. तो मैं तो उन पर कॉशियस रहूंगा. और आई थिंक कुछ देर पहले मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि जहां तक रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज का सवाल है, मिसाल के तौर पर अशोका बिल्डकॉन है, IRB है, कुछ हद तक सद्भाव है, आई थिंक इन कंपनी में मैं ज्यादा बुलिश हूं. मैं मानता हूं कि ये लेवल्स पे अब भी ये कंपनीज पे काफी वैल्यू बचा हुआ है.